साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। आज पॉजिटिव होने के लिए एक खास रेमेडी आप लोगों को दे रहा हूं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, काफी वीडियो मैंने बताया हुआ है कि मनी जो है एक एनर्जी है, और मनी की एनर्जी को आप एक एनर्जी के थ्रू ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट है जहां पर कुछ खास प्रयोग कर लिए जाए तो उससे क्या होता है कि ये चीजें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। सबसे फर्स्ट आता है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिव करना है, एक मैंने उसका मूलाधार चक्र का लम का जो वीडियो है मैंने बनाया हुआ है, जायफल में उसको जो बीज मंत्र है लिख करके आप अपने पास में रखें। वीडियो के कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, काफी लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। दूसरा हो जाता है आपका आज्ञा चक्र, जहां पर बिंदी लगाई जाती है। ये हो जाता है आज्ञा चक्र होता है। अगर आज्ञा चक्र आपका एक्टिव है तो समझ लीजिए कि जो भी पॉजिटिव थिंग्स आप चाहते हैं वो सारी थिंग्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब तीसरा आ जाता है आपका बॉडी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपकी नाभि, मतलब कि 72,000 नाड़ियों का जो एक छोर है वो है आपकी नाभि। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, ठीक है, गुब्बारा फुलाने के बाद जो गठान आप लगा देते हैं तो जो उसका मेन जो होता है पॉइंट वो आ जाता है गठान पे, ठीक है, जहां पर अपने नोट लगाई हुई है। तो जस्ट यही कंडीशन आपकी बॉडी में है। एक हो गई आपकी शिखा, जहां पर पंडित चोटी रखते हैं, वहां का जो वीक पॉइंट होता है वहां से हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरा आपकी नाभि। तो नाभि को यदि आपने एक्टिवेट कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप जो भी चीज चाहते हैं, आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, कुछ बड़ी चीज अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो वो चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको नाभि की एक खास रेमेडी बता रहा हूं, जो आप यदि नाभि को इस तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं तो पैसे नहीं, जो भी आपकी समस्या है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, साथ में जो चीज आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। कोई भी रेमेडीज का सबसे बड़ा रूल्स है दोस्तों पेशेंस, धैर्य। अगर आपके पास में धैर्य है तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगर धैर्य नहीं है, आप ये सोचे कि नहीं आज मैं करूं कल मेरे को इसका रिजल्ट मिलने लगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं काफी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज, अगर आप जमीन पर बोते हैं तो बीज तुरंत फल नहीं देता है। ये लॉजिकली आपको समझा रहा हूं, कुदरत अपने नियम से चलती है, आपके नियम से नहीं चलेगी। आपको कोई भी चीज चाहिए तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, और अगर पेशेंस बना सकते हैं तो कोई भी रेमेडीज करिए उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आज का जो प्रयोग बता रहा हूं ये आपको किसी भी शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं, या सोमवार के दिन से। शुक्रवार या पूर्णिमा में इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट से आपको एक गोमती चक्र ले आना है। ये पंसारी के इजीली मिल जाएगा आपको, 5-10 रुपए का मिल जाएगा। एक गोमती चक्र ले आए, इसको घर ला करके सबसे पहले कच्चे दूध से या गंगा जल से या गौमूत्र से इसको स्वच्छ कर लें। कोई भी बाहर से, दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं, बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो पहले इसको पवित्रीकरण जरूर करें, क्योंकि बाहर कितने हाथों से भोग करके आता है, कितनी उसमें नेगेटिविटी होगी। तो कच्चा दूध, गंगा जल, इसके अलावा गौमूत्र, इससे स्वच्छ कर लिया करें। स्वच्छ करने के बाद ही कोई रेमेडीज किया करें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली में स्टेशन करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11 के दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती है इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। यूट्यूब में सारे एस्ट्रोलॉजर की सारी रेमेडीज जनरल है, अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं, जैसे कि राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 18 डेज की शाबर मंत्रों की विशेष पूजा है,
जो कि आपको 18 डेज में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस नजर आते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे पे सब कुछ धन रुपया पैसा आने लगता है। राहु को अपने जीत लिया, जग जीत लिया, है ना। और दूसरा होता है शनि राहु केतु को 28 डेज में बैलेंस करने के लिए बर्थ चार्ट में शावर मंत्रों की पूजा है। शावर मंत्र दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र है, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त है, आधे अधूरे नहीं है। और तीसरी होती है, जो लोग रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद के घर के योग चाहते हैं, 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स है, फीडबैक है मेरे पास में, 2-2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति हुई है। शावर मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो, आप व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके और पूजा बुकिंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, आपने गोमती चक्र अपने ले आए घर, इसको अपने स्वच्छ कर लिया। आप सबसे पहले क्या करना है, अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं, अपने कुल देवता को याद करें, अपने कुल देवी को याद करें, पितरों को याद करें, महादेव गणेश भगवान नवग्रह का ध्यान करें, आप जिस घर में रहते हैं वास्तुपीठ वास्तु पुरुष भगवान का ध्यान करें। उसके बाद में गोमती चक्र में आपको माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र, क्योंकि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, तो आपको माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, कम से कम आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक कंटिन्यू सीधे हाथ में रख करके और श्रीम 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 इस तरीके से आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर तक आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप करके इस गोमती चक्र को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। जब यह अभिमंत्रित हो जाता है तो 2 टाइम या 3 टाइम इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला, शुक्रवार के दिन तो आपने अभिमंत्रित कर लिया, ठीक है। अब दूसरे दिन इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में या जो भी आपका पूजा स्थान है वहां पर भगवान के मंदिर में इसको रखे रहने दीजिए, इसमें एनर्जी जनरेट होती रहेगी। अब दूसरे दिन से आपको क्या करना है, शनिवार के दिन जब नहाते हैं धोते हैं फुर्सत हो जाते हैं सभी कामों से, तो इसको चक्र को, अब जो गोमती चक्र होता है, एक होता है चिकना साइड, अब उसका जो उभरा हुआ सिरा है तो उसको आपको क्या करना है, नाभि में रख देना है। और नाभि में रख करके अपने इंटेंशन क्लियर रखने हैं आपको, ठीक है। यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लानी है, आपको जो भी चीज चाहिए, आपको धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, जो भी आपको चाहिए, तो वो चीजें मन में रखते हुए और आपको 11 बार या फिर 21 बार या 51 बार श्रीम 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 इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है और इसको उठा करके अपने पर्स में आप डाल लीजिए। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, इसको यही क्रिया करते रहना है, मतलब कि आपको नाभि में इसको रखना है और मंत्र बोलना है। अगर इसको 369 मेथड से करेंगे तो और भी बेस्ट है, मतलब कि सुबह 3 बार करें, ठीक है। जैसे आपने नाभि में रखा तो 11 बार बोला श्रीम श्रीम श्रीम, फिर से 11 बार बोला श्रीम श्रीम श्रीम, फिर से 11 बार बोला श्रीम श्रीम श्रीम, और ये बोलेंगे मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, या 3 बार करेंगे। फिर दोपहर में आप लगा सकते हैं, दोपहर में आपको 6 बार बोलना है, ठीक है, मतलब 11-11 के, या अगर टाइम नहीं है तो आप 1-1 बार का भी कर सकते हैं, मतलब 1 बार आपने बोला श्रीम फिर श्रीम ऐसे करके 6 बार बोल सकते हैं। सुबह 3 बार श्रीम बोला, दोपहर में 6 बार श्रीम बोला, उसके बाद में 6 बार अफर्मेशन बोली कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। फिर यही क्रिया आपको जस्ट सोते समय करनी है, 9 बार नाभि में रखेंगे, श्रीम श्रीम 9 बार बोलेंगे और 9 बार अफर्मेशन बोलेंगे कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं दिन पे दिन रिच हो रहा हूं या हो रही हूं। ये अफर्मेशन आपको कम से कम, दोस्तों देखिए कोई भी रेमेडीज होती हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंस्टेंट, लेकिन कम से कम 21 डेज या 41 डेज हम लोग कंटिन्यू अगर कर लेते हैं विश्वास के साथ में, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद भी आप लोग करते रहते हैं तो फिर इसकी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वास के साथ में आपको पेशेंस भी चाहिए, कोई भी रेमेडी करेंगे तो उसमें पेशेंस सबसे बड़ी चीज आती है। तो कोई अगर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि वर्क नहीं कर रही है, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, ठीक है। जब पर्दे के पीछे जो एनर्जी है वो वर्क कर रही है, टाइम आने पर उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। इसको अगर यदि आपने कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो खुद ही आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक तो गोमती चक्र जो होता है, ये देखिए समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ कुछ चीजें निकली थी, जैसे कि कौड़ी हो गया, गोमती चक्र हो गया, शंख हो गया, तो ये चीजें माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और माता लक्ष्मी को यदि कोई चीज प्रिय है, उनको यदि आप उपयोग में लेते हैं तो माता लक्ष्मी धन धान से परिपूर्ण कर देती है। लेकिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सबसे बढ़िया तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको। देखिये माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, विष्णु भगवान की पत्नी है, ठीक है। माता लक्ष्मी जो है स्थिर नहीं है, चंचला है, लेकिन जिस घर में श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा होती है उस घर में माता हमेशा निवास करती हैं। तो क्या करना है आपको, मैंने काफी भी उन्हें बताया हुआ है कि गरुण के साथ में बैठी हुई माता लक्ष्मी की फोटो अपने घर की उत्तर दिशा में आप लगा दीजिए, या फिर माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के चरण दबा रही है, शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, ये वाली फोटो भी अगर आप उत्तर दिशा में लगाते हैं घर की, यानी कि आपको नॉर्थ में अपने ये वाली फोटो लगानी है शुक्रवार को या फिर पूर्णिमा के दिन में, इसका भी चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। आप आजमा करके देखिए, छोटे छोटे टिप्स जो वास्तु कहते हैं होते हैं उनको यदि फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ इस रेमेडी को करिए, गोमती चक्र का यह प्रयोग है, आप किसी भी
पूर्णिमा को शुक्रवार को उस प्रयोग को कर सकते हैं। कंटिन्यूसली जो मैंने बताया, तो अगर जो 369 मेथड नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ दिन में एक बार भी अपने कर लिया ना सुबह में नहा धोकर के, सिर्फ 11 बार 21 बार आप बोल दीजिए श्रीम श्रीम श्रीम, और मन में इंटेंशन रखिए कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। आएगा नहीं, आ रहा है, आ चुका है, ये आपको सोचना है, क्योंकि आपका सबकॉन्सियस माइंड जो होता है प्रेजेंट की जो चीजें होती है उसको समझता है। आप ये सोच रहे हैं कि आएगा या आ रहा था, ये चीज आपका सबकॉन्सियस माइंड नहीं समझता है। जो चीज हो रही है, घटित हो रही है, उन चीजों को आपका सबकॉन्सियस माइंड एक्सेप्ट करता है। तो आपको उन चीजों को विजुलाइज करना है, आपको ये सोचना है कि सच में मेरे पास में इतना पैसा आ रहा है, मैंने तो सोचा नहीं था इतना पैसा आएगा, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। जब इस तरीके से आप विजुलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्सियस माइंड वैसे एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू कर देता है। सारा खेल आपकी जिंदगी में आपके अवचेतन मन का ही है, तो अपने अवचेतन मन को एक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका कि अफर्मेशंस बोलते रहें कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं दिन पे दिन रिच हो रहा हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। जब इस तरीके से सेल्फ लव आप करते हैं, कुदरत भी आपको वैसी अनुकूलताएं ला के देने लगती है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहा करें, सकारात्मक सोच रखा करें, कभी भी अपने आप से नफरत ना करें, जिंदगी को कोसे ना, पूरे विश्वास के साथ में रेमेडी को करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दया विक्रप आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, आप आगे फॉरवर्ड करिए, आगे शेयर करिए, और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, किसी को भी लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, ठीक है। प्रकृति का नियम है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको भी रिटर्न में हेल्प मिलती है, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने पूजा आपको बताई राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए, खुद के घर की प्राप्ति के लिए, जिस भी पूजा की आपको नीड है व्हाट्सएप में कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है तो बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।